अब हम लोग देखेंगे क्या सबमिशन के बारे में। देखो इसको कहाँ लिखना है, इसको आप नोट बना के एक बॉक्स में राइट कर लीजिएगा सबमिशन के बारे में। ठीक, देखो सबमिशन पहले तो है क्या, प्रोसेस बाय विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गैस, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, करते कैसे देखो, मान लेते हैं यहाँ पे चाइना गैस लिया, यहाँ पे वायर गैस लेते हैं, जैसे स्टोव होता है स्टोव के ऊपर इसको रखते हैं, ठीक, और नीचे से हीट लगाते हैं, बर्नर लगाते हैं हम, मान लेते हैं ये हमने चाइना डिश दे रखा था, चाइना डिश, और इसमें हमने मलेरिया मिक्सचर, इसका किसका मिक्सचर ले लिया, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो भी सॉल्ट हम यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक, एंड अमोनियम क्लोराइड, मतलब अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल भी मतलब बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं, इसी सॉल्ट जैसे ही होते हैं, नमक जैसे ही होते हैं। ठीक है, लिया, अब ऊपर हमने क्या लगा दिया, इसके यहाँ पर एक फनल लगा दिया, इसके ऊपर हमने एक फनल लगा दिया, ये
पर एंड ऑफ रिसेप्टर अलग करेंगे, जबकि लगेगा कि हमें सारा अमोनियम क्लोराइड आ चुका है, ठीक है। अब NaCl वेपर बनने वाला होगा, इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, हटा लेंगे, हमारा NH4Cl जो था अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल यहाँ पे आके एकत्रित हो गए, डिपॉजिट हो गए, और इसको मैं अलग कर लूंगा और कॉमन सॉल्ट NH4Cl को अलग ऐसे कर लूंगा। अब केवल NH4Cl ही नहीं, आयोडीन, नेफ्थलीन, कैम्फर सब को भी ऐसे तुम अलग कर सकते हो, समझ रहे हो, पक्का कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। ऐसे कबूतर तुमने देखा होगा बिल्कुल ऐसा होता है, नमक जैसा ही होता है, नमक के अंदर मिक्स कर दो, ठीक है, घर पे कर लेना ये चीज, तो ये चीज तुमने कर लेना है। घर के अंदर क्या करना है, कपूर लेना है, कपूर पानी के अंदर मिक्स होता नहीं होता है, ठीक, तो नमक के साथ मिक्स कर देना कपूर, पानी के साथ नहीं मिक्स होता मैंने बोला, लेकिन अभी कपूर को किससे साथ मिक्स करना है, कैम्फर को सॉल्ट के साथ मिक्स कर देना है, ठीक। अब क्या करना है, उसको किसी भी बॉयल में या बहुत सेफ्टी के साथ करना, ठीक, किसी बर्तन में लेके उसको हीट करना, तो देखोगे कुछ समय बाद नमक जब लिक्विड बनने लगे, ठीक है, गुड़क देना, तो ऊपर से उससे पहले तो ऊपर से ढक्कन लगा देना, ठीक, गर्म करने रखते ही उस पर तुम ढक्कन लगा देना, अब तुम उसको हीट करना शुरू करना, तो देखो जो तुम्हारा कैम्फर है वो क्या होगा, गैस बन के कहाँ जाएगा, उस ढक्कन पे डिपॉजिट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़े में, ठीक है, और तुम्हारा सॉल्ट नीचे रह जाएगा, तो ये चीज आप घर पे कर लेना, नमक और कैम्फर को अलग कर लेना, ठीक है, आ जाता हूँ। कुछ एग्जांपल्स थे जिनको आपको याद रखने हैं सभी मिशन के केस में, ठीक। अब अगला हमारा आएगा क्या, मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को सेपरेट करने के मेथड्स, ठीक है, तो मेथड्स टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अगला हमारा टॉपिक होगा, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक। तो इतना आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें और एनसीईआरटी से चीजों को रीड कर ले, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 6306545256, ठीक है, और इस पे तुम मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो भी डाउट होगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से राइट कर लो,